नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू है ना। अब बोल रहा है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, है ना, बूलियन लॉजिक फंक्शन विद इनवर्स ऑफ फंक्शन, है ना, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनवर्स को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सही वाले। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। इनवर्स को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, हाँ इनवर्स को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा यहाँ पर आपको। चलो जल्दी से सॉल्व करके देखो। सॉल्व करके देखो इसको। एक काम कर सकते हो आप, इसमें के मैप का यूज कर सकते हो, है ना, के मैप का यूज कर सकते हो इनवर्स के लिए। आप के मैप का यूज कर लो। के मैप में ये फायदा है कि डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, के मैप में डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। तीन वेरिएबल वाला है पहले, जैसे ए ऑप्शन तीन वेरिएबल वाला है, है ना, तीन वेरिएबल वाला ए बी सी, है ना। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी। चलो सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, बट करके देख लो जल्दी से। ए बार सी, बी सी, और है ना। चलो ए बी कब आएगा, ए बी ये है, इसके लिए वन, इसके लिए वन होगा तब। BC कब आएगा, जब ये वन हो और ये वन हो। CA कब आएगा, CA जब ये वन होगा और ये वाला वन होगा तब C आएगा। ABC कब आएगा, ABC तीनों कब आएंगे भैया, ABC इस टर्म से आएंगे, है ना। ये बन गया, अब इसी का वैल्यू बना लो आप, इसी को सॉल्व करके देख लो। तो इससे सॉल्व करने पर क्या आएगा, पूरा अगर मिनिमाइज करोगे इसको आप, तीन टर्म तो देगा ही देगा आपको बेसिकली, है ना, तो तीन टर्म देगा, तो आपका क्या आएगा यहाँ से, ए बी आएगा यहाँ से, आएगा ए बी आ गया, ए सी आ गया और बी सी आ जाएगा। तीन टर्म आएंगे, ए बी, ए सी, बी सी। अब ए बी, ए सी, बी सी, इसका उल्टा इनवर्स आप क्या कर दो, बी ऑप्शन, ये सेकंड वाला हो जाएगा, देखो सेकंड वाला हो जाएगा, है ना, इनवर्स का इनवर्स ये हो जाएगा। या इसका आप के मैप भी बना के देखना चाहो तो के मैप बना के देख लो, सेकंड वाले का के मैप बना के देख लो इसका, है ना, ए बार ए है, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ए बार चाहिए, बी बार चाहिए, ए बार चाहिए, बी बार चाहिए, तो ए बार बी बार यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, वन वन हो गया। इसी प्रकार बी बार सी बार चाहिए, बी बार और सी बार चाहिए, तो ये वैल्यू भी हमें क्या चाहिए होगी, वन चाहिए होगी। इसी प्रकार सी बार ए बार चाहिए, तो सी बार ए बार चाहिए, ये है सी बार, है ना, और ए बार, ये आपका ए बार है और सी बार पे भी ए वन है, तो ये वैल्यू बनेगी। अब आप देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, इसका इनवर्स है, इसमें देखो जहां जहां वन वन है वहां पे, यहाँ पे जीरो है, देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो ये एक्चुअल में इसका क्या हुआ, उल्टा हुआ, इनवर्स हुआ। तो इनवर्स आप इसको के मैप के थ्रू ऐसे पहचान सकते हैं ना, कि इसमें देखो जहां जहां वन है यहाँ पे जीरो है, और जहां जहां यहाँ पे वन है वहां उस पे जीरो है, तो इसका हो जाएगा टू, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, है ना। ऐसे ही बी ऑप्शन के लिए आप देख लो, बी ऑप्शन के लिए देख लो कहाँ कहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, कर लो सॉल्व।
बी ऑप्शन के लिए है ना, ऐसे ही सी ऑप्शन के लिए कर लो, ऐसे डी ऑप्शन के लिए कर लो। तो फाइनल आप जब सॉल्व करोगे है ना, फाइनल आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आना चाहिए, चेक कर लेना। या आप पे मैंने छोड़ दिया है ना, मैंने आपको समझा दिया है कि दोनों का जो के मैप होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, जहां पर वंस होंगे वहां पे जीरो होगा, जहां पर जीरो होंगे वहां पे वंस होगा। ये बेसिकली एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाता है, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप मे नॉट प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है रिडंडेंट ग्रुपिंग इन के मैप मे रिजल्ट इन नॉन मिनिमाइज सॉल्यूशन, फिर बोल रहा है डोंट केयर स्टेट इफ यूज्ड इन के मैप फॉर मिनिमाइजेशन, तो मिनिमम सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन। अब बोल रहा है इसमें से ट्रू कौन सा होगा, इसमें से ट्रू कौन सा होगा ये आपको यहां पर बताना है। चलो जल्दी से बताओ, पहला बोल रहा है कि भैया के मैप यूनिक सॉल्यूशन नहीं देता है ना, के मैप यूनिक सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता ये बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है रिडंडेंट ग्रुपिंग के मैप रिजल्ट नॉन मिनिमाइज सॉल्यूशन आता है, अगर रिडंडेंट आ गया तो ठीक है, तीसरा बोल रहा है डोंट केयर स्टेट इफ कार्नोट मैप फॉर मिनिमाइजेशन द मिनिमम सॉल्यूशन नॉट ऑब्टेन। तो भैया ये वाला तो बिल्कुल गलत है, थर्ड वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि डोंट केयर अभी हमने देखा, डोंट केयर हमारी कंडीशन आई थी और उसका यूज करके हमने मिनिमाइज क्या कर दिया, आउटपुट वन कर दिया था लास्ट क्वेश्चन में, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर डोंट केयर आएगी और उसका जो यूज होगा वो मिनिमाइज नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। डोंट केयर से ही हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर पाते हैं, है ना। तो थर्ड तो रॉन्ग है, तो थर्ड रॉन्ग है तो कौन से ऑप्शन कट जाएंगे, देखो थर्ड रॉन्ग है, पहला कट गया, दूसरा कट, तीसरा कट गया, दूसरा कट गया, एक ही ऑप्शन बचता है, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो के मैप यूनिक सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुपिंग हम अपने हिसाब से करेंगे तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि के मैप जो होगा वो यूनिक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वो डिफरेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि मैपिंग जो होती है वो हमारे हिसाब से होती है, हम पेयर किसको बनाना चाहें किसको नहीं बनाना चाहें वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन हम नहीं कहेंगे कि प्रोवाइड होगा ही होगा। फिर बोल रहा है कि रिडंडेंट ग्रुप इन के मैप में रिजल्ट नॉन मिनिमाइज सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है अगर रिडंडेंट हम इंक्लूड करते हैं तो भैया उसको फर्दर हम नॉन मिनिमाइज नहीं कर पाते, या तो रिडंडेंट हम को हटाएंगे तो फिर वो हजार्ड फ्री सर्किट नहीं बन पाएगा, है ना। तो सेकंड भी सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बूलियन एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म एंड पीयूएफ फॉर्म फॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शन, y इक्वल टू ए प्लस बी सी का हमें बताना है क्या, बेसिकली ए प्लस बी सी का। तो भैया के मैप बना लो जल्दी से, ए प्लस बी सी का कोई दिक्कत नहीं है, के मैप बन जाएगा तुरंत आंसर आ जाएगा, ए प्लस बी सी, बी ए प्लस बी सी, बी बार का बनाना है। चलो देखो यहाँ पर ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, हमें चाहिए ए। तो ए कब मिलेगा, ए कब मिलेगा, जब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तब हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार बी बार सी बस चाहिए, तो बी बार सी कब मिलेगा, जब ये वैल्यू वन हो जाए और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी वन है तो बी बार सी मिल जाएगा। अब ये बन चुका है तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो भैया मिन टर्म क्या आ जाएंगे, यहाँ से मिन टर्म आपके आ जाएंगे, मिन टर्म आपके आ जाएंगे क्या, वन आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, वन फोर फाइव सिक्स सेवन, वन फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हो गया आपका बी ऑप्शन। और जहाँ पर जीरो है वो मैक्स टर्म हो जाएंगे, मैक्स टर्म क्या हो जाएंगे भाई साहब, मैक्स टर्म हो जाएंगे आपके जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री, ये आपके मैक्स टर्म हो गए। अब बताओ कितना ईजी है, कुछ क्वेश्चन में है क्या इसमें, ये एक्सप्रेशन का हमने क्या बना दिया, के मैप बना दिया, के मैप से हमने क्या किया, हमने वन वन देख लिया तो मिनटम आ गए, जीरो जीरो वाली देख ली तो मैक्सटम आ गए, है ना, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला ए प्लस बी सी रिड्यूस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ए प्लस बी सी किसका रिड्यूस फॉर्म है, तो आप इसको ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम लगा दोगे यहाँ पर, फिर आएगा ए प्लस बी और ए प्लस सी, है ना,
ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ, कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला, कुछ था क्या इसमें? ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा दी हमने, है ना, ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा दी। चलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहां पर आप फर्दर सॉल्व करके देख लो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आएगा एक्स प्लस एक्स बार और एक्स प्लस वाई, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, तो आंसर आएगा एक्स प्लस वाई। पहले ही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करके फर्दर देख लो, है ना। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स बार प्लस एक्स वाई, है ना, तो एक्स वाई आ जाएगा यहाँ से, सही है ये। इसको सॉल्व करोगे x कॉमन लोगे तो y प्लस वाई बार, ये आपका x आ जाएगा, ये भी सही है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप z z कॉमन ले लो, है ना, और फर्दर सॉल्व करोगे जेड एक्स प्लस जेड वाई आएगा, है ना। तो ए ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, बोल रहा है टू टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर हैव साइन बिट एक्स एंड वाई आर एडेड टू साइन बिट ऑफ रिजल्ट इज जेड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ओवरफ्लो। अब मैंने आपको ओवरफ्लो की कंडीशन बताई थी, लिखवाई है साफ साफ, नहीं लिखवाई होगी तो आप नोट्स चेक करके देखिए। ओवरफ्लो की कंडीशन मैंने बताई थी कि एक तो कैरी एडर का यूज करके, दूसरा एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन क्या था, x बार y बार z प्लस एक्स वाई जेड बार, ये आपका एक्सप्रेशन था। आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा रूल इज करेक्ट। अब रूल इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो भैया a इंटू ए बार क्या होता है, वन होता है। a इंटू ए बार जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वन होता है, है ना, और वन होता है, जीरो होता है, जीरो होता है भैया। ए प्लस ए बार ये होता है वन, और ए इंटू ए बार क्या होता है, जीरो होता है। तो पहला रॉन्ग हो गया। हाँ, दूसरा वाला ट्रांसपोजिशन थ्योरम है क्या, ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी। हाँ, ए प्लस ए क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया a प्लस ए ए ही होता है, a प्लस ए ए ही होता है, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग है, है ना। फिर ये वाला देखो, इस पे लगाओ a प्लस ए बार और a प्लस बी, ये हो जाएगा सही आपका, है ना। c ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा के, ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा दो, c ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ मिनिमाइजेशन लॉजिक एक्सप्रेशन। पहला है टू गेट स्मॉल साइज एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है, या छोटा एक्सप्रेशन मिलेगा। दूसरा है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल टू गिवन एक्सप्रेशन। तीसरा है टू इंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन विद लीस्ट हार्डवेयर टू रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर मेकिंग इट फीसिबल फॉर हार्डवेयर इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर लगभग सही लग रहे हैं सभी ऑप्शन, यहाँ पर आप देख रहे हो तो लगभग सभी ऑप्शन क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। यहाँ पर लगभग सभी ऑप्शन देख रहे हो आप तो क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, है ना। लेकिन हमें एक्सप्रेशन से उतना मतलब नहीं होता, पहली बात तो, है ना, एक्सप्रेशन से उतना मतलब नहीं होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहला तो है कि भैया एक्सप्रेशन कम होगा तो लॉजिक एक्सप्रेशन में हार्डवेयर कम लगेंगे, गेट कम लगेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं टू रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर मेकिंग इज फीसिबल फॉर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, जाहिर सी बात है कम से कम हार्डवेयर लगेंगे, वो हमारी मेन नीड होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। वैसे आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड भी सही है, लेकिन ऑप्शन वैसे नहीं है हमारे पास, है ना, ऑप्शन वैसे नहीं है, तो हम कहेंगे कि हार्डवेयर कम से कम लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं उसको। हाँ, तो मेन अल्टीमेट पर्पस पूछा है ना, अल्टीमेट यानी फाइनल पर्पस क्या होता है भाई साहब लॉजिक एक्सप्रेशन को कम करने का, कि हम सर्किट इजी बना सके, है ना। सर्किट इजी बनेगा तो जाहिर सी बात है हार्डवेयर कम लगेंगे, तो इसलिए थर्ड एंड फोर इज करेक्ट आंसर। हाँ, बूलियन अलजेब्रा भैया ये, इसे आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है फाइनल। चलो करोगे, लगाओ इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ए बार बी का डबल बार और सी बार, है ना, प्लस इसको सॉल्व करोगे ये आएगा ए का डबल बार बी का डबल बार और सी बार,
इसको सॉल्व करोगे ए बार बी का डबल बार और सी का डबल बार, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ए बी सी सेम रहेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये होगा ए बार बी सी बार, ए बी सी बार हो गया ए बार बी सी और ए बी सी। अब कॉमन नॉर्मल निकालो फटाक से, ए बी कॉमन ले लो इन दोनों से और इससे कॉमन ले लो क्या, इससे कॉमन क्या ले लो, ए बार बी कॉमन ले लो, है ना। इससे ए बार बी कॉमन ले लो, ए बार बी कॉमन आया तो ये सी प्लस सी बार हो गया और याले से ए बी कॉमन आया तो सी प्लस सी बार हो गया। अब ये वन हो गया। अब यहाँ पर आप देखो ए बार बी बचा है और यहाँ ए बी बचा है, बी कॉमन ले लो, ए प्लस ए बार हो गया। फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया 29 का, ये हो गया बी ऑप्शन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा एसओपी फॉर्म फॉर बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखो एसओपी फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन का पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें बाकी टर्म्स भी क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, है ना। तो जो टर्म्स नहीं है उसको इंक्लूड करो, जैसे इसमें ए बी बार है सी नहीं है तो सी प्लस सी बार एंड कर दिया, है ना। इसमें बी नहीं है तो बी प्लस बी बार कर दिया, इसमें ए नहीं है तो ए प्लस ए बार कर दिया। करो सॉल्व इसको, हो गया ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार, तो सॉल्व करेंगे ए बी सी प्लस ए बी बार सी, तो सॉल्व करोगे ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब देखो जो एक्सप्रेशन दो बार है उसको कट कर दो, एक बार कर लो। अब जैसे ये एक्सप्रेशन दो बार है, एक बार आ गई, है ना, ये आ गई ए बी बार सी प्लस, के बाद और एक्सप्रेशन देख लो, ये वाली एक्सप्रेशन देखो, ये दो बार है, एक बार आ गई ए बी सी, है ना। तो ए बी सी, ए बी सी देखो है और ए बार सी है। उसके बाद ये वाली टर्म देखो आप, ये वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर आपको, है ना। तो ये दो टर्म आएंगी, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। चार टर्म आएंगी बेसिकली, है ना। कौन कौन सी, ये चार टर्म आ गई आपकी, ए बी बार सी बार आ गया और ये ए बार बी सी वाली टर्म आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।